80 करोड़ लोगों को हमने भोजन दिया, पीठ थपथपा रहा है, किस लिए थपा रहे हो? आज गेहूं घट गया तुम्हारा 80 करोड़, इसका मतलब 80 करोड़ गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं। ये मोदी कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, भारत सरकार के प्रधानमंत्री कहते हैं 80 करोड़ लोग अपना खाना दो जुम का खाना नहीं खा सकते हैं, रोटी नहीं दो सुन का खा सकते हैं, इसीलिए भारत सरकार उसको रोटी देकर जिंदा रखे हुए। वाला समय बताएगा कि कैसे ये एकजुटता का परिचय देते हुए हम लोग अपने आप में ये स्थापित करने का प्रयास करेंगे कि कैसे नहीं बेरोजगार को नौकरी दोगे, कैसे नहीं महंगाई को रोकोगे, कैसे नहीं जो हमारा बिहार में जो भ्रष्टाचार है उसको कैसे रोकेंगे। देखिए, ये प्रतिरोध मार्च एक आज नहीं है, जब से भाजपा सरकार 2014 में आई केंद्र की सत्ता में, तब से जनता के ऊपर बुलडोजर चला रही है। अभी जनता के पेट के ऊपर बुलडोजर चल रहा है, उसके स्वास्थ्य के ऊपर बुलडोजर चल रहा है, जनता का जो बच्चा है जिस स्कूल में पढ़ेगा उस स्कूल के ऊपर बुलडोजर चल रहा है। पूरे देश में कमर तोड़ महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गिरता स्वास्थ्य शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, भ्रष्टाचार, किसानों की समस्या, इन सारी जन समस्याओं को लेकर पूरे बिहार में सभी जिला मुख्यालयों पर आज प्रतिरोध मार्च का आयोजन किया गया। दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया, मैं आपके साथ शाहिद कामरान। अभी हमारी टीम मौजूद है मधुबनी रेलवे स्टेशन पर, जहां आप देख सकते हैं कि महागठबंधन की तरफ से आज जुलूस निकाली जा रही है। यह जुलूस महंगाई, भ्रष्टाचार और अग्निपथ इत्यादि के खिलाफ है। इस जुलूस में बहुत सारी पार्टियां शामिल है, इसमें राजद है, कांग्रेस है, CPI है, माले है। अब हम इस सिलसिले में भी हम बात करेंगे यहाँ के कुछ नेताओं से और जानेंगे कि असल में इस जुलूस का असल मकसद क्या है। मेरा नाम मयंक कुमार यादव हुआ, मैं छात्र संगठन आयशा से हूँ और मिथिला विश्वविद्यालय का प्रभारी हूँ। आज जो ये प्रतिरोध मार्च कर रहे हैं आप लोग, इसका मकसद क्या है? देखिए, ये प्रतिरोध मार्च एक आज नहीं है, जब से भाजपा सरकार 2014 में आई केंद्र की सत्ता में, तब से जनता के ऊपर बुलडोजर चला रही है। अभी जनता के पेट के ऊपर बुलडोजर चल रहा है, उसके स्वास्थ्य के ऊपर बुलडोजर चल रहा है, जनता का जो बच्चा है जिस स्कूल में पढ़ेगा उस स्कूल के ऊपर बुलडोजर चल रहा है। इसकी महंगाई के कारण आज हम लोग पूरे बिहार में घोषणा है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में महागठबंधन के बैनर तले आज हर एक जगह प्रतिवाद मार्च और सभा होकर के महंगाई के खिलाफ, आप लोगों ने NDA के खिलाफ हम लोगों का ये मोर्चा है और ये मोर्चा पूरे देश में पड़ी बड़ी संख्या में मोर्चा बन रही है। ये महंगाई के खिलाफ, भुखमरी के खिलाफ ये बहुत बड़ा मोर्चा बन रहा है पूरे देश के अंदर में। देखते हुएगा आप दिल्ली चले जाइए, जंतर मंतर पर रोज कुछ न कुछ इसके खिलाफ आंदोलन चल रहा है देश के अंदर में। जिस तरीके से नई शिक्षा नीति ला करके, जिस तरीके से अग्निवीर जैसा कानून ला करके देश के अंदर में एकदम त्राही त्राहीमान मचाना चाह रही है भाजपा सरकार। ये देश की जनता लोकतांत्रिक तरीके से अपने अधिकार को लेकर के आंदोलन करने के लिए रोड पे उतरी हुई है। धन्यवाद सर। आज की जो प्रतिरोध मार्च है वो किस मकसद से? प्रतिरोध मार्च का आप जानते हैं, कमर तोड़ महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, बाढ़ सुखाड़ से लोग त्रस्त हैं, जनता त्रस्त है, सरकार मस्त है। इसके खिलाफ आज खाद की भी कमी हो गई है, नौजवानों को बेरोजगारी का मामला है, इन सारे मामलों को लेकर के हम लोग सड़क पर आए हैं। सड़क पर इसलिए उतरे हैं कि जन विरोधी नीतियों को सरकार, केंद्र सरकार लागू कर रही है। सारे एक एक कर GST लगा दिया है खाद्य पदार्थों पर, जो हमारा आटा था, चावल था, गेहूं था, जो हमारा पनीर है, दूध है, छाछ है, सब पर, घी पर GST लगाने का मतलब 5% टैक्स जनता के गरीब पर 5% टैक्स बढ़ा दिया है। पेट्रोल डीजल का तो जहाँ तक सवाल है, पेट्रोल डीजल जब 29 रुपये में मिलता था डीजल, जिस समय में क्रूड ऑयल जब अंतर्राष्ट्रीय क्रूड ऑयल का दाम 29 रुपया था डीजल का, और पेट्रोल का था 35 रुपया, यहाँ 80 रुपये बिक रहा था, अब 100 के पार है। मतलब पेट्रोल डीजल अकेले इतना महंगा कर दिया गया, डीजल के महंगा होने से हमारे किसान का जो सिंचाई है वो चौगुना बढ़ गया। ये गरीब किसान कहाँ से सिंचाई कर देगा? आप देखिए, यूरिया खाद नहीं मिल रहा है। तो हम लोगों का यही कहना है, जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और बाढ़ सुखाड़ की समस्या है, उसका बाढ़ सुखाड़ का स्थायी समाधान नहीं हो रहा है। मोदी कहता है 80 करोड़ लोगों को हमने भोजन दिया, पीठ थपथपा रहा है, किस लिए थपा रहे हो? आज गेहूं घट गया तुम्हारा,
80 करोड़, इसका मतलब 80 करोड़ गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं। ये मोदी कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, भारत सरकार के प्रधानमंत्री कहते हैं 80 करोड़ लोग अपना खाना दो जुम का खाना नहीं खा सकते हैं, रोटी नहीं दो जुम का खा सकते हैं, इसीलिए भारत सरकार उसको रोटी देकर जिंदा रखे हुए है, 29 तक जिंदा रखने का प्लान है। इसके बाद श्रीलंका की स्थिति भारत की होने जा रही है। जिस तरह से रेलवे का आउटर सिग्नल है, उसी तरह से भारत आज आउटर सिग्नल पर खड़ा है, श्रीलंका के आउटर सिग्नल पर। आर्थिक ये बहुत बोल रहा है आजकल, देखे अखबार में नेता, आर्थिक स्थिति सही है, रुपये गिर रहा है, यही मोदी कहा था 2013 में जब मुख्यमंत्री था, तो मुख्यमंत्री था तो 2013 में कहा था रुपये गिरने का मतलब मुल्क का साह गिरना, देश का साह गिरता है। क्या आज रुपया आज रुपया 80 रुपया में एक इंडियन 80 रुपये का मूल्य हो गया एक डॉलर, आज रुपया 80 पर पहुंच गया, तो क्या भारत देश का साख नहीं गिर रहा है? क्या देश की प्रतिष्ठा बची हुई है? एक ही मामला नहीं है, ये नारा लगाता है बीजेपी, सबका साथ सबका विकास। अब मैं तो कहता हूँ किसी का न विकास न विश्वास, सबका नाश सबका सबका नाश। सुनो, हम लोगों का नारा है सबका नाश सबका विनाश और लोकतंत्र और संविधान का सत्यानाश। समय बताएगा कि कैसे ये एकजुटता का परिचय देते हुए हम लोग अपने आप में ये स्थापित करने का प्रयास करेंगे कि कैसे नहीं बेरोजगार को नौकरी दोगे, कैसे नहीं महंगाई को रोकोगे, कैसे नहीं जो हमारा बिहार में जो भ्रष्टाचार है उसको कैसे रोकेंगे। इसी बात के लिए आज हम लोग पूरी तरह पूरा यहाँ से शंकर टाकिज बाटा चौक होते हुए और समाहरणालय तक ये जुलूस जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश कुमार यादव, पूर्व प्रखंड प्रमुख लखनऊ, सह पूर्व सदस्य जिला परिषद। ये पूरे देश में कमर तोड़ महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गिरता स्वास्थ्य शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, भ्रष्टाचार, किसानों की समस्या, इन सारी जन समस्याओं को लेकर पूरे बिहार में सभी जिला मुख्यालयों पर आज प्रतिरोध मार्च का आयोजन किया गया है महागठबंधन के द्वारा। क्या लगता है इस प्रतिरोध मार्च से सरकार पे कोई असर पड़ेगी? तो लोकतंत्र में तो राजनीतिक दलों का या राजनीतिक कार्यकर्ताओं और नेताओं का काम है कि लोगों को समस्याओं की आवाज़ को बुलंद करना और सरकार को इस बात के लिए चेताना कि भाई आप जन विरोधी कार्य कर रहे हैं, सो हम लोगों का ये दायित्व है कि लोगों की आवाज़ को बुलंद करना। आपके इस प्रतिरोध मार्च में कौन कौन से पार्टी के लोग शामिल? राजद है, CPI है, CPM है। मेरा नाम देवानंद उर्फ देव कुमार पासवान। कौन से पार्टी से हैं? राष्ट्रीय जनता दल युवा प्रखंड अध्यक्ष हैं, बाबू बरही। आज जो ये प्रतिरोध मार्च हो रहा है, इसकी मकसद क्या है? मकसद है भ्रष्टाचार, महंगाई, अग्निपथ सेना में जो भर्ती है वह 4 साल के लिए जो भर्ती किया गया है और सरकार ने ये वैकेंसी निकाली है, उसके प्रतिरोध में हम लोग इस रोड पर है। युवा हमारे बेरोजगार हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, सरकार चुप बैठे हैं, हम लोग इनका विरोध करते हैं पर उस पर कोई तरह की जो है उस पर सुनवाई नहीं हो रही है। बीजेपी के खिलाफ प्रतिरोध मार्च चला है, बीजेपी के NDA गठबंधन के प्रति, जो बीजेपी के साथ जितने भी पार्टी है, जो बिहार में सरकार चला रही है नीतीश कुमार, जो सरकार में हम लोग बिहार में हैं उनके भी विरोध में हैं और दिल्ली की सरकार के भी विरोध में ये बात कर रहे हैं। धन्यवाद सर, आप अपना परिचय दीजिए। भारत भूषण मंडल लौकहा से राजद के विधायक हैं और राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष हैं। आज का जो प्रतिरोध मार्च है इसका क्या उद्देश्य है? बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ता भ्रष्टाचार, आम जनता का जीना जो मुश्किल हो रहा है, अग्निपथ योजना के विरोध में और भारतीय जनता पार्टी का जो देश को तोड़ने की कोशिश हो रही है उसके विरोध में ये प्रदर्शन प्रस्तावित है। धन्यवाद। मैं मोहम्मद कामिल हुसैन, राष्ट्रीय जनता दल का जिला युवा उपाध्यक्ष, मधुबनी। आज के प्रतिरोध मार्च का अहम उद्देश्य क्या है? महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार एवं अग्निवीर योजना जो लाया गया है उसके उद्देश्य में।
है आज के इस प्रतिरोध मार्च में कौन कौन सी पार्टी शामिल है? इसमें सभी महागठबंधन के सभी साथीगण साथ शामिल हैं, जैसे राजद, कांग्रेस, CPIM, माले। आप कौन से पार्टी से? राष्ट्रीय जनता दल से। अपने ब्रांड, कंपनी या संस्थान के प्रचार प्रसार के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क करें। जल्दी करें ताकि आप बढ़ सकें और भी आगे। आप हमारी YouTube चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें। अगर आप Facebook पे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।